फरीदाबाद में लॉटरी कमेटी की आड़ में देह व्यापार का काला धंधा कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें पुलिस ने 15 युवतियों समेत 40 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला नीलम बाटर रोड स्थित द अर्बन होटल एंड रेस्टोरेंट का है। वहां बुधवार रात छापामारी कर पुलिस ने 44 लोगों को हिरासत में ले लिया है। होटल में बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और शराब से भरे हुए गिलास भी मिले हैं। अरेस्ट किए गए 40 आरोपियों में 29 युवक तथा 15 युवतियां हैं। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वहां रेड की थी। इससे पहले 2 पुलिसकर्मियों को नकली ग्राहक बनाकर होटल में भेजा गया था ताकि आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। थाना प्रभारी अर्जुन ने 2000 रुपए का नोट साइन करके पुलिसकर्मी को दे दिया जो ग्राहक बनकर होटल में गया। होटल की बेसमेंट में पाया गया कि वहां पर एक पार्टी चल रही थी जिसमें 40 से अधिक युवक युवतियां शामिल हैं। पार्टी में असली डांस होने की बात भी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना करने, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियाँ एक यहाँ पे अपने होटल है दी अर्बन करके, उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के, और वहाँ पे कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। हाँ हाँ, क्या शिकायत में क्या लिखा है उसमें, जैसे रिकॉर्ड कस्टमर आपने बनाया था, क्या था उसका? देखिए जी, हमें वैसे एक अपना तुम्हारे हेड कांस्टेबल था मनोज, उसको भेजा था इन्फॉर्मेशन के आधार पे। वो गया है वहाँ जाके, उसने इनसे बात की है नीचे, तो 2 रूम्स थे वहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम भी हो रहा था। बाकी ये लोग थे, ये अपनी वहाँ पार्टी कर रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था वहाँ पर। शिकायत अब मतलब हमें तो कल ही मिली थी इस चीज़ को लेके, उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अंदर हमने 188 लगाई है, 51 BM एक्ट लगाया है और 294 लगाई है, 345 इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगाया है, 72C एक्साइज एक्ट लगाई है। इतने सारे लोग एक साथ वहाँ पहुँचे थे, क्या कोई लॉटरी वगैरह का कोई सिस्टम था, क्या चल क्या रहा था? हाँ, इसमें कोई ईश नाम का एक आदमी था कि उसने बोला था, उसने अपनी लॉटरी कर रखी थी यहाँ, जैसे अपनी कमेटी वगैरह डालते हैं तो उस चीज़ की पार्टी कर रखी थी वहाँ पर। हाँ, बुलाई हैं अभी, उसकी पूरी तहकीकात चल रही है। बड़ी कार्रवाई नहीं, कोई भी हमारे एरिया में कोई भी गैरकानूनी काम होगा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जरूर एक्ट करेंगे उसके ऊपर।